कभी आपने सोचा, दुनिया के जितने भी मिलेनियर बिलेनियर लोग हैं या जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, वो सब लोग सुबह को जल्दी उठने के लिए इतना जोर क्यों देते हैं? क्यों सुबह के समय को इतना ज्यादा स्पेशल बताया जाता है? आखिर जल्दी सुबह के समय में ऐसा स्पेशल क्या होता है जो सारे दिन भर नहीं होता है? जो लोग सुबह को देर से उठते हैं, वो लोग अपनी जिंदगी का एक ऐसा खूबसूरत हिस्सा गंवा देते हैं जो उन्हें दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। सुबह का समय सारे दिन का सबसे खूबसूरत समय होता है, सबसे शांत और सबसे हेल्दी टाइम होता है। जब आप देर से उठते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि मजा आता है। कभी आपने सोचा आपको कैसे मजा आता है? जब आप होश में ही नहीं है तो आपको क्या मजा मिल जाएगा? मजा तो तब है जब आप होश में हो। जब आप जागोगे तब आप सोने से 100 गुना ज्यादा मजा कर सकते हैं। वैसे तो सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हैं, पर ये 10 बातें ऐसी हैं जो आपको सुबह उठने के लिए जरूर इंस्पायर करेंगी। सबसे पहली बात, यू फील यू आर बेटर देन अदर्स। जो लोग सुबह को जल्दी उठते हैं ना, उन्हें सोते हुए लोगों को देखकर ये मन में जरूर आता है कि वो उनसे बेहतर हैं। आप में से जितने भी लोग सुबह को जल्दी उठते हैं, वो कमेंट करके जरूर बताना, क्या आपको ये चीज महसूस होती है या नहीं? जब आप सुबह उठकर अपनी प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, योगा करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, ध्यान करते हैं, तो क्या आपको ये चीज महसूस नहीं होती कि आप सोए हुए लोगों से काफी बेहतर काम कर रहे हैं? आप ईमानदारी से जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने देखा है जो लोग सुबह को जल्दी उठते हैं वो खुद को ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं। और दूसरी चीज जो इसी से ही जुड़ी हुई है, यू स्टार्टेड टू लव योरसेल्फ। जब आप खुद को अच्छा महसूस करते हैं, बेहतर महसूस करते हैं, तब आप खुद से प्यार करने लगते हैं, तब आप खुद को पसंद करने लगते हैं। नहीं तो अधिकतर लोग अपने आप से ही परेशान रहते हैं, खुद से ही दुखी रहते हैं, उनको कोई बात अच्छी ही नहीं लगती, खुद की लाइफ अच्छी नहीं लगती। पर जो इंसान खुद को बेहतर महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है, वही इंसान खुद से प्यार कर पाता है। तीसरी चीज वो भी इसी से ही जुड़ी हुई है, वो है यू फील योरसेल्फ कॉन्फिडेंट। आप खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, आपको खुद पे आत्मविश्वास आने लगता है। रोज सुबह जल्दी उठना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। देखने में छोटी बात है पर करने में बहुत बड़ी है, क्योंकि सुबह के समय ही लोगों को सबसे ज्यादा नींद आती है, और उस समय पे नींद का मोह त्याग कर उठना किसी चैलेंज से कम नहीं है। तो जो लोग सुबह जल्दी उठने का चैलेंज पूरा करते हैं, खुद को एक विश्वास से भरा हुआ महसूस करते हैं। और चौथी बात, इट गिव्स यू मैनी फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स। उनका माइंड बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि सुबह के समय में प्रकृति शांत रहती है, वातावरण शांत रहता है, और वो शांत ऊर्जा जब आपके मन में आपके शरीर के अंदर जाती है तो आपका मन भी शांत रहता है और आपका शरीर स्वस्थ रहता है। पांचवी बात, यू गेट टाइम फॉर योर फैमिली। जो लोग दुनिया भर के कामों में उलझे रहते हैं, खास करके उन लोगों को अपने परिवार के साथ बिताने के लिए समय मिलता है। वैसे तो अभी लॉकडाउन है, नहीं तो रेगुलर लाइफ में बच्चे कॉलेज स्कूल चले जाते हैं, कोई काम पे चला जाता है, कोई शॉप पे चला जाता है, रात को थक कर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन सुबह का समय ऐसा है और उस टाइम पे पूरी फैमिली एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती है। छठी बात, योर डे बिकम्स प्रोडक्टिव एंड मोर एनर्जेटिक। जो लोग सुबह को जल्दी उठते हैं उनका सारा दिन ऑर्गेनाइज्ड रहता है और वो एनर्जी से भरे रहते हैं, ऊर्जा से भरे रहते हैं। देर से उठने वाला इंसान आलस्य से भरा रहता है, खुद को थका हुआ और लेजी महसूस करता है। लेकिन जो सुबह को जल्दी उठते हैं वो अपने सारे दिन को बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। देर से उठने वाले के कंपेयर में बहुत ज्यादा टाइम रहता है। आठवीं बात, यू बिकम हेल्दियर। जो लोग सुबह को जल्दी उठते हैं उनकी हेल्थ देर से उठने वालों की तुलना में ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि जो लोग जल्दी उठते हैं उन्हें भूख भी जल्दी लगती है, तो उनकी डाइट भी सही रहती है, जिसकी वजह से उनका शरीर भी फिट रहता है। जो इंसान उठेगा ही देर से, वो ब्रेकफास्ट कब करेगा, लंच कब करेगा, और जो जल्दी उठता है वो दिन का हर मील जिस टाइम पर लेना चाहिए उस टाइम पर ले पाता है, और उसका इफेक्ट उस इंसान की बॉडी पर बहुत अच्छा पड़ता है। नवीं बात, व्हेन यू स्टार्टेड वेक अप अर्ली, यू स्टार्टेड स्लीप अर्ली एंड इट गिव्स यू
गुड नरिशमेंट टू योर माइंड एंड योर बॉडी। जब आप सुबह को जल्दी उठना शुरू करते हैं तो आपको रात को नींद भी जल्दी आती है। जो लोग देर रात तक जागते हैं, आगे चलकर उनको कई तरह की मेंटल डिजीज हो जाती हैं, मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, और जो लोग रात को जल्दी सो जाते हैं उनका दिमाग ज्यादा स्वस्थ रहता है, उनकी बॉडी और उनके माइंड की लाइफ बढ़ जाती है। देखो, प्रकृति के कुछ नियम हैं। जो इंसान प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलता है वो इंसान बेहतर और ज्यादा जीता है। जो इंसान प्रकृति के खिलाफ चलता है उस इंसान का शरीर और मन दोनों बीमार रहते हैं। हमारे भारतीय फिल्मों के अभिनेता अक्षय कुमार के एक इंटरव्यू में मैंने सुना, उन्होंने कहा कि इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उगते हुए सूरज को ना देखा हो, और अपनी इस सफलता में वो इस चीज को सबसे अहम मानते हैं। देखो, सुबह को जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ये प्रकृति है। 3 टाइम का भोजन अपने समय पर खाना, ये प्रकृति है। देर से उठना और देर से सोना, ये विकृति है। उल्टे सीधे टाइम पर खाना खाना, ये विकृति है। जो इंसान प्रकृति को, नेचर को फॉलो करता है वो इंसान जिंदगी में ज्यादा खुश रहता है, ज्यादा स्वस्थ रहता है और ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। और जो इंसान विकृति को फॉलो करता है वो इंसान बीमार, दुखी और जिंदगी में खुद को हारा हुआ महसूस करता है। 10वीं बात, यू गेट एक्स्ट्रा टाइम फॉर योर लाइफ, करियर, स्टडी, मेडिटेशन, बुक रीडिंग एंड फॉर वर्कआउट। जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमें समय नहीं मिलता, उन लोगों के लिए तो ये गोल्डन टाइम है। आप चाहें तो ये समय आप अपना करियर बनाने में लगा सकते हैं, आप अपनी हेल्थ बनाने में लगा सकते हैं, आप मेडिटेशन करना सीख सकते हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। जितना सुबह का टाइम शांत और सपोर्टिव रहता है उतना सारा दिन आपको शांत और सपोर्टिव टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि दिन भर के कामों में, दिन भर के शोर में न आप अपना ध्यान लगा पाते हैं, न आप ठीक से कोई काम कर पाते हैं। लेकिन सुबह की शांति में आप अपने हर काम को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसीलिए जो इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, हेल्दी और फिट रहना चाहता है, लाइफ में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उन सब लोगों को मैं कहूंगा कि ये सुबह का टाइम आपके लिए गोल्डन टाइम है। ये नींद में सोने का टाइम नहीं है, ये सोना बनाने का टाइम है। आप खुद को सोना बनाइए और आप अपनी जिंदगी को भी सोना बनाइए।